खरगोन शहर के सनौद रोड पर एक यात्री बस ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवक वाहन में फंस गया, जिसमें लापरवाह चालक रौंदता हुआ वाहन चलाता रहा। युवक का शरीर जब पहिए में फंस गया और वाहन आगे नहीं बढ़ा तो चालक वाहन जिला अस्पताल से कुछ दूरी पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि जिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक निजी अस्पताल के सामने सनावत से खरगोन की ओर जा रही एक बस छोड़कर चालक फरार हो गया। बस के पहिए में युवक का पैर फंसा हुआ था, जबकि नब्ज तटोली गई। उसके बाद उस युवक को अस्पताल भेजा गया, उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। घटना हुई ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस के नीचे कोई आदमी फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था। फिर हमने चेक किया नीचे जाके तो उसका पैर अटका हुआ था उसमें, और नब्ज वगैरह चेक करी तो मृत लग रहा था वो, और निकाला है, अस्पताल भेजा है अग्रिम जांच के लिए। अभी उसका कोई नाम पता नहीं है। अभी जानकारी मिली है कि चेतानपुर से इतना ही रहने वाला है। अभी परिजन आ रहे हैं, उसके बाद आगे बताया जाएगा। बता रहे हैं कि सर करीब गाँव मतलब 5-7 किलोमीटर से इसको घीस के ला रहा था सर। गाड़ी ऐसा लग नहीं रहा है, गाड़ी के वो बॉडी को हिसाब से तो यहीं आसपास कहीं संभवतः लग रहा है। अभी जाँच का विषय है, अब जाँच करेंगे उसके बाद। अरे बस कहाँ से कहाँ जा रही है? ये सनावत से खरगोन आ रही थी। जब्त कर ली गई है, हमने चौकी प्रभारी जैसा कुछ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।